लिए थाली में रख लिया है। मुर्गी के पराठे बहुत ही टेस्टी बने मेरे ख्याल से, हालांकि तो चख लिया था मैंने, और ये टमाटो सॉस। तो फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ अब ब्रेकफास्ट करने, तो फ्रेंड्स आप भी हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, मैं कमलेश आप सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल कमल ब्लॉग्स में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो सुबह के बज गए हैं 8, आज थोड़ा लेट उठे हैं हम, और फ्रेंड्स मेरा प्लान है ब्रेकफास्ट में मूली के पराठे बनाने का। तो फ्रेंड्स आप बने रहना, देखना कैसे मूली के पराठे बनते, और मैं आपको दिखाता हूँ अपनी बच्चा पार्टी। ये लोग हमेशा ना लगे रहते हैं कार्टून देखते, बस और कुछ नहीं, कार्टून ही देखते। आप देखो ये है, ये बड़ा ढंड है, ये छोटा है, और ये पड़ोसी, ये देखिए लगे हैं बस कुछ नहीं, कार्टून चाहिए बच्चों को। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, और वैसे आप धूप बहुत अच्छी खिली है, और आज फ्रेंड्स मेरा प्लान है सौरभ भाई से मिलने का। सौरभ भाई को आप मैक्सिमम लोग जानते होंगे, तो दस मिनट से बताऊँ तो ब्लॉगिंग का स्टार्टिंग जो मेरे अंदर जो विचार आया उन्हीं के उससे आया था, कि मैंने कहा क्यों यार जब वो 1 मिलियन पहुँच सकते तो हम भी जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स बने रहिए लास्ट तक। तो फ्रेंड्स आज बनेगी मूली की पराठे। ये मूली मैंने रख लिया है, अभी एक मूली और काटेगी। तो सबसे पहले हमें आज मूली बनाने में पराठे, तो सबसे पहले इसको हमको करना पड़ेगा साफ, फिर इसको कद्दूकस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा हल्के से पानी में इसको उबालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये है नाइफ, तो ये मैंने सामान रख दिया है, तो फिर बने रहिए देखते हैं मूली पराठे कैसे बनते हैं, खुद ही बनाना जाहिर सी बात है, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आप, मैंने ये कर दिए हैं साफ दो मूलियाँ, तो सफिशियंट है दो बंदों के लिए, एक में मेरा बड़ा। तो फ्रेंड्स साफ ये मेटल निकला जो फेंकना पड़ेगा गाय का काम है, देख लो चलते हैं। अब इसको मुझे कद्दूकस करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाने पाऊँ कैसे कद्दूकस करते हैं, आप सब जानते हैं कद्दूकस कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेना लास्ट, देखना कैसा है मूली का पराठा बनता है, आपको पूरा दिखाऊंगा, बहुत टेस्टी बनने वाला है लगता तो ऐसे है, फसल ट्राई करो देखते। तो फ्रेंड्स यूज भी आ चुका है, जिस सब्जी उठाए सूखी तो बना रहे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कद्दूकस, मूली का कद्दूकस तो बारीक से कद्दूकस करना पड़ता है, अगर आप बारीक नहीं करोगे तो आपको पराठा सकता है, उसको बारीक वाले भी करना थोड़ा लेट हो गया था, मैं तो साथ ही उड़ गया था काटने के बाद कि आ जाए भाई वीडियो बना ट्रेंड तो नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे हो ये मूली ऑलमोस्ट पूरी तरह से कद्दूकस हो चुकी है, अब हमें दूसरी वाली लेनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है वाकई में टेस्टी बनने वाली है मूली, और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ तो हो सकता है खराबी कुछ नहीं, देखते हैं वेल ट्राई। ये फ्रेंड्स मेरे लास्ट तक चेक करिए मूली का पराठा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इसमें मैंने धनिया हल्दी नमक मिर्च सब कुछ डाल दिया है, तो इसको हम आराम से इसको पहले मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद फिर बनेंगे मूली के पराठे। तो फ्रेंड्स देखते हैं कैसे बनते हैं, तो फ्रेंड्स आप भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छे होते हैं ठंडी के दिन, कल तो मौसम बिल्कुल खराब था लेकिन आज मौसम खराब नहीं आता, थोड़ा हल्की धूप आ रही है लेकिन ठंडी हवा चलती है, तो आज देखते हैं इस ठंड में मूली के पराठे खाने का मजा हम गुजार होगा। तो फ्रेंड्स बने रहे लास्ट। तो फ्रेंड मूली के पराठे हो चुके तैयार, बच्चों को दे दिया मैंने, अब मैंने भी अपने लिए थाली में रख लिया है, मूली के पराठे बहुत ही टेस्टी बने मेरे खाने, हालांकि तो चख लिया था मेरे, और ये टमाटो सॉस। तो फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ अब ब्रेकफास्ट करने, तो फ्रेंड्स आप भी लीजिए इंजॉय मूली के पराठे के, ठंडी के दिन अच्छे रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स बने रहिए लास्ट। एक्टिविटी करके मैं मार्केट घूम के आ गया हूँ घर, और अब शाम के बज गए हैं 4:30, तो ठंडा बहुत हो रहा है, ठंडी हवा चल रही, गर्म कपड़े मुझे अपने निकालने पड़ेंगे जो पिछले साल हमने बेड में संभाल दिए थे। और फ्रेंड्स आज प्लान था सौरभ जोशी भाई से मिलने, सौरभ भाई से मिलने का प्लान था लेकिन हो नहीं पाया, कोई नहीं फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम मिलेंगे उनसे। फ्रेंड्स आप सौरभ भाई के ना वीडियोज ब्लॉग्स देखते रहना, क्योंकि लोग उसके दीवाने हैं, उसके ब्लॉग का इंतज़ार करते हैं लोग, तो उनकी वीडियो में एडिट कर दूंगा जिससे उनका नाम आ जाएगा, तो आप उनकी वीडियोस उसके चैनल में जाके उनकी वीडियोस को देख सकते हो। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो आज का ब्लॉग्स, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और
फ्रेंड्स, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना।